वर्ष 2021 जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान पर लिखा जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत एक सुहानी सुगंध से हुई। कश्मीर में टूरिस्ट ने विंटर में आना शुरू किया, बर्फ की गेंदें बनाई गई और वादी की रौनक को बढ़ा दिया। बहार के आते आते फिजा खुशबूदार होती गई और ऐसा लगने लगा कि यहाँ परिवर्तन कोरोना की महामारी के बाद भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन कुदरत के निज़ाम के आगे किसी की भी नहीं चलती। कोरोना की दूसरी लहर आहट देते देते एक तूफान की शक्ल में पूरे विश्व को डरा गई। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन भारत के पास इसके साथ लड़ने के लिए एक हथियार था। भारत उन देशों में से एक था जिसने सबसे पहले कोरोना का तोड़ करने वाली वैक्सीन बनाई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन का मुफ्त वितरण किया। जम्मू कश्मीर ने तेजी से यहाँ के लोगों का वैक्सीनेशन किया और कीमती जानों को बचाया गया। यहाँ ये बात बताना जरूरी है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हॉस्पिटल्स में जाकर हर प्रकार की जानकारी ली और ऐसे इंतजाम कराए कि कोरोना के बढ़ते कदम रुक जाएं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत की। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टीज को ऑल पार्टी मीट का न्योता दिया। 24 जून 2021 को दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जो लोगों के दिलों में घर कर गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की दिल से और दिल्ली से दूरी मिटाई जाएगी। दो हफ्ते के भीतर ही डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और पॉलिटिकल पार्टीज और सामान्य जनमानस से इंटरेक्शन किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने का। इस बात की समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में दौरे के दौरान की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन यूटी में चुनाव कराएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उम्मीद जगाई कि युवा अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर ले आएगा। 2021 में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर की और इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए कदमों का इशारा किया। इस वर्ष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो चीज़ों पर अधिक जोर दिया, जिसमें शांति बहाली प्रथम स्थान पर थी और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का विकास, जो कि कई वर्षों से रुका हुआ था, उसे एक नई गति दी। कुल मिलाकर वर्ष 2021 जब खत्म होने जा रहा है तो एक नई उम्मीद जागी है। 2022 में जम्मू कश्मीर और नए अध्याय लिखेगा। इस वर्ष में राजनीतिक पार्टीज ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसका प्रमाण उनकी रैलीज से लगता है। चाहे वो रैलीज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, भाजपा की हो, या फिर पीडीपी कांग्रेस की हो, या अपनी पार्टी की, उसमें उनके लीडर्स ने अपनी बात कही और अपने विचार आवाम के साथ साझा किए। जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो इस बात का संदेश देती हैं कि हर पार्टी और हर विचारधारा लोगों तक पहुँच रही है। इस बात का श्रेय भारत सरकार को, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जाता है। वर्ष 2021 का असर कैसा होगा, ये वर्ष 2022 बताएगा। लेकिन उम्मीद की जाती है जम्मू कश्मीर ने जो प्रगति की है वो और आगे बढ़ती जाएगी।